नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने लेके आया है निफ्टी बैंक का एनालिसिस। देखिए दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उस लास्ट वीडियो में एक आपको लेवल कही थी, अगर बैंक निफ्टी उस लेवल को तोड़ के आगे निकल जाती थी तो शायद ये रेंज नहीं बनता था। मगर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, जो USA और चाइना ट्रेड का जो सेशन चल रहा है उसमें बहुत सारे टेंशन वाली बातें चल रही हैं। उनके कुछ लोन इंटरेस्ट रेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम चल रहा है, ट्रेड बैरियर्स के ऊपर भी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आ रहे हैं चाइना और USA के ट्रेड में। तो उसका जो प्रभाव है तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे गिरा है, पूरा जितना भी शांघाई है, एक्सचेंज निफ्टी है, फिर आपका डाउ जोन्स है, फिर आपका चाइना मार्केट है या फिर आपका जापान मार्केट है, फिर इंडियन मार्केट हो, ये सब पर पूरा प्रभाव पूरा पड़ा हुआ है इस ट्रेड का। जो उनका इंटरनल कुछ थे ट्रेड, जैसे कि उधर कुछ आंदोलन भी हुए बीच में USA में कि हमें चाइना का माल थोड़ा कम लेना है, फिर जो भी ट्रेड हो रहा है तो उसमें कुछ कटौती करनी है, ऐसे बहुत सारे उधर अंतर्गत बातें हुई है USA में। तो उसी बात पे बहस चल रही थी उनकी, और जो टेंशन निकल के आ रहा है उसका टेंशन का परिणाम पूरे स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाई दे रहा है, दुनिया में जितने भी अवेलेबल मार्केट्स हैं उनके। देखिए दोस्तों, अब एक सीधी सी बात है, हमें मार्केट में चांस कहाँ मिलेगा एंटर करने के लिए। फिलहाल तो दोस्तों अब एंटर करने के लिए मार्केट को अभी भी एक लेवल बना है। देखिए दोस्तों, आपको एक लेवल है 29,550 का, 29,550 का लेवल, यहाँ से लगभग आपको 80 या 90 पॉइंट का मार्केट पकड़ के चलो, 80-90 पॉइंट का मार्केट है, वहाँ पे एक रिबाउंस का चांस बन सकता है। मगर दोस्तों क्या हुआ है, जो ट्रेड का टेंशन चल रहा था उस ट्रेड टेंशन की वजह से पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया है। हमने लास्ट वीडियो में हमारे जो टारगेट बताए थे वो 29,900 का था, जो कि पहला टारगेट मुकम्मल हुआ, बहुत अच्छे से टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद जो था टारगेट वो 30,300 का था। देखिए दोस्तों, 30,300 के आसपास भी मार्केट गया नहीं, वहाँ से मार्केट कोलैप्स हो गया। अभी भी मार्केट इतना टूटने वाला नहीं है, क्योंकि 29,500 का जो लेवल है, 29,550 इंट्राडे पे और डे चार्ट पे रहेगा 29,500 का लेवल। देखिए दोस्तों, अगर ये तोड़ के नीचे आ जाएगा, 29,050 दिन डे चार्ट पे तोड़ के नीचे रहेगा तो डेफिनेटली 29,500 उसके लिए सपोर्ट बन रहेगा। अगर 29,500 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट टोटली बेरिश बेल्ट होल्ड करके चलेगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है मार्केट में फिलहाल, तो अभी डरने वाली इतनी भी बात नहीं है। जो हमने लास्ट एक काउंटडाउन के लिए ट्रेड कहा था, उस ट्रेड में क्या हुआ था, देखिए दोस्तों, जो लोगों को हमने कहा था कम से कम प्रॉफिट लो और बाहर गिरो, ना कि लॉस करके लो। हाँ रही बात, जो लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो लोग लॉस भी ना ले, क्योंकि लोग आज प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं ये ट्रेड कल कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ऐसे सोच के लोग ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों वैसा मत कीजिए, फिलहाल तो मार्केट वैसा है ही नहीं, मार्केट में हाई वोलेटिलिटी सेशन चल रहे हैं, वैसे इलेक्शन के भी प्रोसीजर चालू है और ऊपर से इलेक्शन के रिजल्ट भी आने हैं, तो बहुत सारा यहाँ पे अंधाधुंध वाला माहौल बन चुका है। कल क्या हुआ है किसी को अच्छे से मालूम नहीं है। देखिए जैसे कि मार्केट में कल का एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी, जिसे हम दोजी कहते हैं, रिवर्सल के पैटर्न कहते हैं दोस्तों। मगर ध्यान में रखिए, मार्केट में ये क्यों हुआ, ना कि इंडियन मार्केट की वजह से हुआ या फिर ना एशियन मार्केट की वजह से, ये हुआ USA एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड बैरियर टेंशन चल रहा है उसके वजह से हुआ है। तो दोस्तों आज भी अपना मार्केट एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, 29,550 डे ट्रेड पे रहेगा और 29,500 डेली चार्ट पे रहेगा। देखिए दोस्तों, 29,550 एक इंट्राडे लेवल रहेगा और 29,500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो मार्केट बेरिश वो बेल्ट होल्ड कर सकता है, इससे आप बच के रहिए। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, बड़ा टारगेट की अपेक्षा रखिए। मगर आज का फिलहाल जो मार्केट चल रहा है तो उसमें जो हमने कहा था लेवल, देखिए दोस्तों हमने जो लेवल दिया था 29,680, अगर मार्केट तोड़ता है तो मार्केट नीचे जा सकता है, बराबर वैसे ही हुआ, 29,680 का जो लेवल था मार्केट ने तोड़ा है। मगर यहाँ पर क्या हुआ है, जो 29,550 का लेवल उसको होल्ड किया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ से
अगर सपोर्ट टूटता है दोस्तों तो सीधा मार्केट चला जाएगा कम से कम 28,000 के आसपास, 28,000 के आसपास मार्केट चला जाएगा निफ्टी बैंक का। तो आपको पूरा ध्यान से ट्रेड करना है, आपको पैसा कमाना है। ध्यान में रखिए 29,550 एक आपके लिए अच्छा सा एक सपोर्ट है इंट्राडे पे और 29,500 डे चार्ट पे। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में बड़ी एक गिरावट आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।